एक दो दिन पहले हमने फास्ट ट्रैक की FR1 अनबॉक्स की थी। ये है FR1 प्रो वाला वेरिएंट जो कि 3000 रुपीज में आता है एंड वहां से जस्ट एक अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, वो है AMOLED डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पे 1.3 इंच का एक AMOLED पैनल मिलता है। चलिए प्रोडक्ट को करते हैं अनबॉक्स एंड आप वीडियो को कर लो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। So, सबसे पहले आपको सेम काइंड ऑफ पैकेजिंग मिलती है, क्लासिक जो स्मार्ट वॉच होती है ना वही वाली पैकेजिंग आपको फास्ट ट्रैक यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप इसको निकालेंगे, 3 पेपर वर्क आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एक पोगो पिन चार्ज है एंड आपके मेन स्मार्ट वॉच यहाँ पे अवेलेबल है जो कि पूरा का पूरा आपको राउंड डायल देती है। एक पॉलीकार्बोनेट डिजाइन है, ये कोई भी मेटेलिक डिजाइन नहीं है। जहां तक सिलिकॉन स्ट्रैप्स की बात है, एक्स्ट्रा स्मूथ है एंड नीचे की तरफ जो पैटर्न दिया गया वो मेरे को काफी सेटिस्फाइंग लगा। रेसेस वगैरह काफी कम आएंगे, मिनिमल आएंगे एंड इवन दो ब्रीजेबल मटेरियल यहाँ पे यूज है, तो कंपेयर टू अदर स्ट्रैप यहाँ पे जो स्वेट आएगा वो आएगा कम। अब बिल्ड क्वालिटी तो हमने देख लिया, यार बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी वाला, क्योंकि यार बिना ऐप को कनेक्ट किए आप स्मार्ट वॉच को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो फास्ट ट्रैक की ऐप फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके फोन के साथ। iOS हो या एंड्रॉइड दोनों आप कंपैटिबल यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कनेक्ट करेंगे, मैनुअल आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप QR कोड से स्कैन करके अपनी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैनुअल किया, आप QR कोड का यूज करते हुए कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद अब आते हैं यार इसके यूजर इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस मेरे को यार कहीं भी थोड़ा भी अलग नहीं लगा, डिफरेंट नहीं लगा FR1 से। अगर आपने वो चेकआउट किया तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, बताऊंगा क्यों। यूजर इंटरफेस इज रियली सॉफ्ट एंड स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है एंड काफी अच्छे कलर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एक और रीजन है बिकॉज सेम डिस्प्ले यहाँ पे मिलते हैं 1.3 इंच का एंड 360x360 का पैनल है। इवन दो ये AMOLED है बट जो रेजोल्यूशन है ना, पिक्सल डेंसिटी है, वो दोनों में सेम देखने के लिए मिलेगी, तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट FR1 Pro में आपको देखने के लिए मिलेगा 2.5D कर्व ग्लास जो कि इसको थोड़ा सा बेटर बनाता है एंड आउटडोर में 600 निट्स की ये आउटडोर पीक ब्राइटनेस क्लेम करते हैं जहां पे विजिबिलिटी काफी अच्छी है एंड रेस टू वेक वाला फीचर भी यार काफी अच्छी तरह से वर्क कर लेता है, कोई दिक्कत वहां पे मेरे को लगी नहीं। बट AMOLED होना था तो यार हमें AOD तो मिलना ही चाहिए था, बट AOD वाले फीचर यहाँ से आपको मिसिंग देखने को मिलेगा जो कि एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर मेरे लिए लगा। आप लोग बता सकते हैं भाई आप लोग को कैसा लगा AOD नहीं होना विद AMOLED। बात करें कॉलिंग क्वालिटी की तो एडवांस कॉलिंग के लिए यहाँ पे सिंगल चिप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको दी गई है जो कि 5.3 बेस्ड है एंड आपको 100 प्लस कॉन्टैक्ट सेव का ऑप्शन मिल जाता है, डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, कॉन्टैक्ट सेव का ऑप्शन मिलता है आपके स्मार्ट वॉच में। नीचे से इनेबल करने के बाद आप कॉल यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट करने के बाद जो आउटडोर में कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ इस टाइप से रहने वाला है। अभी हम फास्ट ट्रैक की FR1 प्रो को जो है टेस्ट कर रहे हैं आउटडोर कॉलिंग क्वालिटी के लिए एंड कुछ इस टाइप का माइक्रोफोन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी काफी ज्यादा नॉइज है। मैं विदाउट स्मार्ट वॉच माइक वो भी यूज करूंगा, अपना फोन का माइक भी यूज करूंगा ताकि आप लोग एक डिफरेंशिएट कर पाए भाई फोन का माइक बेटर है या फिर स्मार्ट वॉच का माइक्रोफोन यहाँ पे बेटर परफॉर्म आपको करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। आउटडोर कंडीशन टेस्ट ये था। सो कॉलिंग क्वालिटी में मैं काफी इंप्रेस था क्योंकि यार सिंगल चिप ब्लूटूथ काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा था, तो आप इंडोर बात करें आउटडोर बात करें दोनों ही काफी सेटिस्फाइंग यहाँ पे रहने वाले। अब अदर चीजों पे बात करते हैं जैसे कि इसके हेल्थ सेंसर हेल्थ डेटा, तो आपको मल्टी स्पॉट मोड देखने को मिलेगा। ऐसा नंबर क्लेम नहीं है 30, 20, 50, 100 कुछ नहीं, मल्टीपल स्पॉट मोड जिसमें 20 से 30 लेके आप 50 तक मान सकते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पे 50 स्पॉट मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं विद IP68 सर्टिफिकेशन एंड जहां तक बात है नॉर्मल पेडोमीटर की एक्यूरेसी की तो वो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा था। लाइक मैंने 300 के करीबन स्टेप चले एंड वही स्मार्ट वॉच दिखा भी रहा था। अदर चीजें सच एज स्लीप मॉनिटरिंग तो यहाँ पे है ही है, उसके साथ नैप मॉनिटरिंग भी है। इन आफ्टरनून अगर आप स्लीप करते हैं सोते हैं तो वो डेटा भी आपकी स्मार्ट वॉच कैप्चर कर देगी, अदर स्मार्ट वॉच वो चीज कैप्चर नहीं करती है, वो सिर्फ नाइट में आप सोएंगे तभी डेटा कैप्चर करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और हेल्थ सेंसर की, हार्ट रेट मिलता है, SpO2 मिलता है एंड साथ साथ स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड मूड वाले एक और ऑप्शन मिलता है विद ब्रीथ ट्रेनिंग एंड अदर चीज। ओके, तो कोई भी फेक्स डेटा तो है नहीं, आप बिना इसको पहने हुए सेंसर टेस्ट ही नहीं कर सकते, चेक ही नहीं कर सकते, तो फेक सेंसर होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब आ जाता है डेटा कितना एक्यूरेट है, तो डेटा एक्यूरेसी वाइज 98-99% मेरे को एक्यूरेट लगा जो कि ट्रस्टेबल है, आप यूज कर सकते हैं इसको अपनी हेल्थ को चेक करने के लिए। एंड अगर आप 24 आवर्स हार्ट रेट ऑन करेंगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम आ जाएगा। वैसे तो फास्ट ट्रैक ने क्लेम किया 5 डे का बैटरी बैकअप,
अगर फीचर्स मैक्सिमम कैपेसिटी पे आप यूज करते हैं तो 5 डे नहीं, उससे थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। नॉर्मली आप मान के चलिए 2 से 3 दिन ही बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। देन और क्या एडवांस फीचर मिलते हैं यहाँ पे, 100 नहीं 200 प्लस वॉच फेस देखने में मिलेंगे, जो कि आप अपनी स्मार्ट वॉच पे 5 से 6 स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको 2 ही यहाँ पे मिलते हैं, बट अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन से जाके वहां से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अदर फीचर्स में यार, एडिशनल फीचर्स में आपको SOS का फीचर मिलता है, एक काफी प्लस पॉइंट मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रीन लॉक या मैं बोलूँ एप्लीकेशन लॉक का ऑप्शन, तो आप अपनी स्मार्ट वॉच को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है। देन AI फॉर वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, एक मीडिया करके इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है अलोंग विद DND, तो मीडिया पे जाके आप मीडिया साउंड एंड इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि म्यूजिक वगैरह आप अपने स्मार्ट वॉच पे भी सुन पाए, कंट्रोल तो आप कर ही सकते हैं। तो यार स्मार्ट वॉच तो काफी कमाल के फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, बट क्या इसको परचेज करना चाहिए? तो गाइस मैं अगर बताऊं रियलिटी चेक, एमोलेड डिस्प्ले इतना अच्छा फील नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, बेजल्स काफी बड़े बड़े फील होते हैं, सेकंड पॉइंट मेरे को लगा। थर्ड पॉइंट कहीं भी और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस में उन्होंने नियरली हाफ अमाउंट का डिफरेंस किया हुआ है। जो FR1 वेरिएंट था वो लॉन्च हुआ था 1700 रुपए, ये लॉन्च हुआ है 3000 रुपए पे, तो करीबन करीबन 1300 रुपए का डिफरेंस है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है, एंड वो सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले के लिए। सो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट फॉर यू गाइस, आप बता सकते हैं क्या एमोलेड डिस्प्ले के लिए आप इसके लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? डू लेट मी नो, अगर जाना है नीचे है लिंक, जाके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।